जब जहां मैं हाजिर हूं सदफ खान आपके लिए छोटे पर्दे की हर अपडेट्स लेकर। फिर छोटे पर्दे पर बड़ा धमाका, एकता कपूर ने ढूंढी नई नागिन मोना अदाबहार। जी हां, टेलीविजन की टीआरपी रेटिंग में एक समय महीनों तक टॉप पर रहने वाला शो नागिन अब जब अपने तीसरे सीजन में वापसी करेगा तो उसमें ना तो मौनी रॉय होगी और ना ही अदा खान। आइए देखते हैं टेलीविजन की एक खास रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी टच करें ताकि आपको छोटे पर्दे की हर अपडेट हम पहुंचा सके। देखते रहिए छोटे पर्दे की हर बड़ी खबर। टेलीविजन के टीआरपी रेटिंग्स में एक समय महीनों तक टॉप पर रहने वाला शो नागिन अब जब अपने तीसरे सीजन में वापसी करेगा तो उसमें ना तो मौनी रॉय होंगी और ना ही अदा खान। एकता कपूर ने अपने लिए एक नई नागिन तलाश ली है। साल 2015 में एकता कपूर ने छोटे पर्दे पर नागिन शुरू किया था और देखते ही देखते शिवरिया के किरदार में मौनी रॉय और शेषा के किरदार में अदा खान ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। एक साल बाद एकता कपूर नागिन का दूसरा सीजन भी लाई। इस बार करणवीर बोहरा और किंशुक महाजन जैसे नए किरदार भी आए, लेकिन कहानी भी थोड़ी फेरबदल के साथ नागिनों ने अपनी धाक जमाए रखी। एकता कपूर ने जब तीसरे सीजन की भी घोषणा कर दी है, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पर ये भी ऐलान कर दिया है कि उनकी नागिन अब कोई और है। एकता ने इसके साथ ये भी बताया कि नागिन से अब मौनी और अदा को वो अलविदा कह रही हैं। वैसे एकता ने अपनी पोस्ट में ना तो नई नागिन का नाम बताया है और ना ही तीसरे सीजन की शुरुआत की घोषणा की है, पर ये जरूर कहा है कि वो जल्द ही अपनी नागिनों के नाम का खुलासा करेंगी। ऐसे ही छोटे पर्दे की चटपटी न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए अराइव 24 न्यूज।